नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। बेगूसराय में एक तरफ अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बेगूसराय प्रशासन को सफलता मिल रही है। 3 अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। बेगूसराय पुलिस ने 16 जनवरी को TIOP क्षेत्र में मिले अज्ञात व्यक्ति के शव को पहचान करने के साथ साथ हत्याकांड का उद्भेदन कर लिया है। घटना में शामिल अपराधियों को एक देसी पिस्तौल, घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो और 4 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया है। मृतक नालंदा जिले के सरमीरा थाना क्षेत्र स्थित वृंदावन निवासी विजय कुमार सिन्हा थे। विजय कुमार सिन्हा हाल फिलहाल देहरादून में रहते हैं। इनका एक मकान आनंदपुरी पटना में भी है। उसी मकान को हड़पने की नियत से बदमाशों ने उसकी हत्या कर लाश को TIOP क्षेत्र के रघुनंदन स्थित रामकुमार चौधरी के मकई के खेत में मिट्टी के नीचे गाड़ दिया था। मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में DSP ओम प्रकाश ने इस बात की जानकारी दी। DSP ने कहा कि घटना के उद्भेदन के लिए टीम लगातार काम कर रही थी, जिसके बाद मिले एक संदिग्ध मोबाइल नंबर के आधार पर 22 फरवरी को पटना से 3 व्यक्ति को बेगूसराय जिले के तेघड़ा थाना क्षेत्र के दनियालपुर निवासी रणधीर कुमार मिश्रा, बजलपुरा निवासी रौनक कुमार तथा पटना जिले के मनेर थाना स्थित रामपुर दियारा निवासी चंद्रभूषण सिंह को भगवानपुर थाना लाया गया और पूछताछ के दौरान इन लोगों ने हत्याकांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों ने बताया कि विजय कुमार सिन्हा का एक मकान पटना के आनंदपुरी में पत्नी निर्मला सिन्हा के नाम से है, जिसमें उन्होंने रणधीर कुमार मिश्रा को केयर टेकर रखा था। इन लोगों ने मकान हड़पने की नियत से 15 जनवरी की शाम पटना स्थित घर में ही विजय कुमार सिन्हा के सर में गोली मारकर हत्या कर दी। स्कॉर्पियो में लोड कर रघुनाथपुर में खेत में गाड़ दिया गया। बदमाशों ने बताया कि पटना के आनंदपुरी में स्थित मकान में विजय कुमार सिन्हा के अलावा कोई आता जाता नहीं था, जिसके कारण इन लोगों ने हत्या कर लाश को गायब कर देने के बाद मकान हड़पने का प्लान बनाया था। हत्याकांड के उद्भेदन के लिए तेघड़ा DSP के नेतृत्व में बनाई गई विशेष टीम में अंचल निरीक्षक राम निवास, थाना अध्यक्ष हिमांशु कुमार, TI अध्यक्ष मनीष कुमार आनंद और सशस्त्र बल शामिल थे। 16/1/21 को 2:30 बजे के लगभग TI थाना में खबर मिला कि एक मंदलपुर में जो है राम कुमार चौधरी के मकई खेत में गड्ढा में लाश को रखकर झांप दिया गया है। इस पर TI थाना प्रभारी और उसके पुलिस बल वहां गए, लाश को निकाले तो देखे कि उसके सिर में मृतक करीब 55-60 साल का बूढ़ा है, उसको सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस संदर्भ में क्या गवाहों थाना कांड अंकित किया गया 24/21 अंकित किया गया और इसको भेदन हेतु एक टीम गठित की गई हमारे नेतृत्व में, जिसमें थाना अध्यक्ष तेघड़ा हिमांशु कुमार, अंचल निरीक्षक तेघड़ा और थाना प्रभारी TIOP नेतृत्व में टीम गठित किया गया था और हम लोग लगातार इस पर भेदन हेतु तकनीकी और मैनुअली प्रयास कर रहे थे। इसी संदर्भ में 20 तारीख को हम लोगों को एक संदिग्ध मोबाइल नंबर मिला, जिसका विश्लेषण हम लोग किए, एक नाम मिला, जिसके आलोक में हम लोगों ने पटना में जाकर छापेमारी की, जिसमें से 3 आदमी पकड़ाया, जो कि जिसमें 2 आदमी दनियालपुर और 1 बजलपुरा का रहने वाला था और पटना में रहता था। तो इसी के आधार पर मृतक की पहचान हुई, जिसका नाम विजय कुमार सिन्हा प्राप्त हुआ, स्वर्गीय ब्रह्मदेव प्रसाद, जो कि सरमेरा थाना के वृंदावन रहने वाले हैं और फिलहाल ये देहरादून में ही शिफ्ट हो गए हैं। गांव में कोई देहरादून में रहता है लोग और सब पत्नी वहाँ देहरादून में रहता है, यहाँ कभी कभी आकर और मकान का भाड़ा उड़ा, इनका एक मकान आनंदपुरी में है, कब बस सुनते थे भाड़ा वगैरह। एक केयर टेकर रखे हुए थे जो कि एक्यूज भी है इस केस में, उसका नाम रणधीर कुमार मिश्रा है। वही देखा कि मकान में कोई नहीं आता है, ये लोग बाहर रहते हैं, तो उसके मन में आ गया कि इस मकान को हड़प लेना है। और इसी में एक इसमें किरायेदार नीचे चंद्रभूषण, जो कि मनेर थाना का रामपुर दियारा का रहने वाला है, वो और एक लड़का है बजलपुरा का ही जो कि पटना में रहता है,
उसको मिलाकर लालच देकर कि इसको मार देना है विजय कुमार मिश्रा सिन्हा को, जिससे एक एक फ्लैट हम लोग ले लेंगे, तीन फ्लोर का मकान बना। इसी लालच में तीनों लोग प्लान बना दिए। और जब विजय कुमार सिन्हा जब आए 8-9 तारीख को, तो जब रेंट के बारे में पूछताछ की, इसी पर विवाद हुआ था, और 15 तारीख को भी विवाद हुआ। इसी विवाद के बीच में रणधीर कुमार मिश्रा और रौनक ने मिलकर उनके पिस्टल से मारकर पटना में ही उनके मकान में ही हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद लाश को रात में एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो बरामद हुई है, स्कॉर्पियो गाड़ी में रखकर जो खून लगा था वहीं तक सबको ले आकर यहाँ ले आया, और ले आकर हरिंदरपुर में गाड़ दिया। और वहाँ पर जो खून पटना वाले मकान में जो खून लगी थी, उसको जो रेंटर थे चंद्रभूषण, जो इसमें शामिल थे घटना में, वो जाकर उसको साफ सुथरा कर दिए। उसके बाद ये लोग तोह तकिया को बोल्डर घाट पर खून लगा हुआ बोल्डर घाट पर बिक दिया, और बिकने के बाद ये लोग पटना लौट गया। इसमें बरामद सर क्या क्या हुआ है? तो इसमें हम लोग जब इसको पकड़ कर जब लाए, हम विजय कुमार रणधीर कुमार मिश्रा को पकड़ कर लाए, जब उसे पूछताछ की तो बताया कि शव के पास के बगल में हम लोग जो पिस्टल यूज किए थे मारने में उगाड़ दिए हैं, पता चला कि गाड़ दिया बाद में हम निकाल लेंगे। तो इसके सबूती बयान के आधार पर जो हम लोग पिस्टल को बरामद किए हैं, और साथ ही साथ जो जिस गाड़ी से शव पटना से लाया गया था उसको भी टीम भेज कर पटना से हम लोग बरामद किए हैं, स्कॉर्पियो गाड़ी का, जिसका नंबर BR01PK6312 है, वो बरामद किया गया है। और आर्म्स एक्ट का जो आर्म्स मिला है, वो आर्म्स एक्ट का अलग से केस हम लोग किए हैं, उसमें जेल भेज रहे हैं, और ये हत्या में भी इन लोगों को डिमांड किया जाए। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।